वांडा मैक्सिमॉफ, एके स्कारलेट विच, जिसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। वांडा विजन एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अपने पावर का जबरदस्त उपयोग करके वांडा ने ये दिखाया कि वो सबसे पावरफुल कैरेक्टर का खिताब डिजर्व करती है। चाहे पूरे वेस्ट व्यू टाउन को मैनिपुलेट करके एक खुद का नया टाउन क्रिएट करना या फिर थानोस को एंड गेम में ओवर पावर कर जाना, अकेले मिनटों में पूरे इल्यूमिनाटी की लुटिया डुबाने से लेकर अपने मैजिक से खुद के दो बच्चे क्रिएट कर देना, स्कारलेट विच ने साबित किया है कि उसकी पावर सिर्फ उसके इच्छा के अनुसार ही रुक सकती है। और दूसरी तरफ है द गॉड ऑफ थंडर, एके थॉर, 1500 साल का गॉड, जिसे थ्रू आउट द एमसीयू द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर के खिताब से कंसिडर किया गया है, जो वील्ड करता है पूरे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन स्टॉर्म ब्रेकर को, जिसने टाइम टू टाइम अपने आप को प्रूव किया है, चाहे वो स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने के टाइम टूटे हुए तारे की पूरी फोर्स लेने की बात हो या फिर अकेले थानोस के सीने में स्टॉर्म ब्रेकर को डैगर करना, म्योलनर और स्टॉर्म ब्रेकर को एक साथ वील्ड करना हो या फिर सर्टर और हेला जैसे अनस्टॉपेबल विलन्स को हराना। थॉर ने साबित किया है कि उसकी प्रेजेंस को लाइटली लेना महंगा पड़ सकता है किसी को भी। बट हमेशा ये डिबेट लगा रहता है कि थॉर और स्कारलेट विच में से कौन है मार्वल का सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो। तो मैं यहाँ आपको कोई किसी की ड्यूरेबिलिटी या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं गिनवा के कंपेयर करवाऊंगा। यहाँ आपके सामने दो सिनेरियोज रखूंगा, एक मार्वल कॉमिक से और दूसरा एमसीयू से, एंड आप लोग डिसाइड करके बताना कि आपको दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है, एंड आखिर में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊंगा। एंड मैं पहले ही बता देता हूँ कि मेरे लिए दोनों ही फेवरेट हैं, इसलिए कोई बायसनेस नहीं होगी। सो Without any further ado, let's get started. तो सबसे पहले बात करते हैं सिनेरियो नंबर 1 मार्वल कॉमिक्स में से, जब स्कारलेट विच और थॉर एक दूसरे से टकराए थे। तो ये कॉमिक स्टोरी है अनकैनी एवेंजर्स नाम के एक मार्वल कॉमिक्स में से, जब रेड स्कल ने प्रोफेसर एक्स के पावर का यूज करके एवेंजर्स और दूसरे एक्समैन म्यूटेंट्स को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी, जिसमें रेड स्कल ने स्कारलेट विच का भी माइंड कंट्रोल किया था, लेकिन क्योंकि वांडा का माइंड पे कंट्रोल इतना ज्यादा था कि वो उसको ब्रेक फ्री करके बाहर आ गई। बट रेड स्कल ने थॉर पे अपना पूरा वश कर लिया और उसे अगेंस्ट कर दिया स्कारलेट विच और हैवॉक के, और ये दोनों मिलके सामना किए थे गॉड ऑफ थंडर का, जो अपने आपे में नहीं था। जहां वांडा ने अपना पूरा कियोस मैजिक का जोर लगा दिया थॉर को रोकने के लिए, और थॉर था जो कि झुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, एंड हैवॉक का अपना सोनिक बीम का यूज किया उसने, जो कि मोस्ट पावरफुल माना जाता है पूरे दुनिया का, और वो दोनों मिलके भी थॉर को डेसिमेट नहीं कर सके। एंड लास्टली वांडा ने कहा कि उसे थॉर को उस बैटल से दूर ले जाने के लिए उसे स्पेस में भेजना होगा, क्योंकि ही इज अनस्टॉपेबल। तो वांडा ने उसे आउटर स्पेस में भेज दिया ताकि वो यहां से दूर रहे। और ये पहली बार नहीं है जब थॉर ने किसी को आउटशाइन किया हो। कॉमिक्स में थॉर ने सेलेस्टियल्स, जो कि सब कुछ बनाने वाले माने जाते हैं, उनके ब्लास्ट तक को झेला है उसने, और सिल्वर सर्फर, जिसके पास लाइटनिंग स्पीड है स्पेस में, उस तक को हराया है उसने अपनी ड्यूरेबिलिटी एंड स्पीड को इस्तेमाल करके। सो थॉर इन कॉमिक्स इज नॉट अ जोक। फिर अब आते हैं सेकेंड सिनेरियो पे, विच इज इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो देखो, यहाँ टक्कर थॉर और वांडा में ऑलमोस्ट बराबर की है, क्योंकि वांडा मैक्सिमॉफ के पास डार्क होल की पावर है और उसके बारे में ये प्रोफेसी है कि वो रियलिटी को अपने अनुसार बदल सकती है या उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है, एंड सिर्फ एक शब्द बोलने से ही वो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकती है, जैसा हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ब्लैक बोल्ट के साथ होते देखा था। वहीं दूसरी तरफ थॉर भले ही एक गॉड है, बट एट टाइम्स वो अनवर्दी भी हुआ है। ऐसे भी वक्त आए हैं जब अपने गिल्ट में थॉर का सबसे विश्वास उठा है, एंड प्रोबेबली थॉर लव एंड थंडर में हमने देखा भी है कि गौर द गॉड बुचर थॉर को ऑलमोस्ट मैनिपुलेट कर ही लिया था, जबकि ये गौर का सबसे प्रचंड वर्जन भी नहीं था कंपेयर टू कॉमिक्स। एंड यहाँ बात हो रही है स्कारलेट विच की, जिसने एवेंजर्स तक को हेलुसिनेशंस दिखाए थे एज ऑफ अल्ट्रॉन में, जिसमें थॉर भी था। बट सबसे बड़ा बैटल आ जाता है यहाँ दोनों के सुपर पावर्स में, जहाँ एक तरफ वांडा का केओस मैजिक है और दूसरी तरफ थॉर का एस्गार्डियन मैजिक, जो उसके अंदर है, जिसे स्टॉर्म ब्रेकर को भी पावर मिलती है। जहाँ इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे थानोस को कोई एवेंजर टच तक नहीं कर पा रहा था, वहाँ थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर ने छाती चीर दी थी थानोस की, और उसी लड़ाई में स्कारलेट विच ने थानोस को रोका भी था, लेकिन वो उसे ओवर पावर नहीं कर पाई। लेकिन डार्क होल के पावर से वांडा को जो नई ऊंचाइयां मिली है एमसीयू में, वही उसे आउटशाइन करती है थॉर के सामने। एंड आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ एक वर्ड बोलने से या हु थॉर बोलने से थॉर का भी काम तमाम हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। थॉर की एक्सिस्टेंस टाली इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि वो एक गॉड है,
प्लस जिसके सामने ओडिन और हेला तक नहीं कुछ कर पाए उसे हराना बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर होगी। तो ओवरऑल सिनेरियो मेरे लिए तो ये निकल कर आता है कि स्कारलेट विच नो डाउट सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है मार्वल की, बट जब उसे ओवर पावर करने की बात आती है, उसके सामने खड़े रहने की बात आती है, तो अगर कोई एक सबसे आगे होगा उस लाइन में तो दैट विल बी थॉर। 1500 साल में उसने इतने बैटल्स लड़े हैं कि उसका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं तो आएगा ही, और आगे आने वाले वक्त में थॉर 5 में हमें थॉर का अल्टीमेट रूप भी देखने को मिलेगा एंड स्कारलेट विच की पावर्स अपने चरम सीमा पे होगी सीक्रेट वॉर्स के टाइम पे, तो तब पता चलेगा किस में है कितना दम। बट मेरे लिए तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल रहेंगे एंड आप कमेंट्स करके बताना कि आपको क्या लगता है दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, स्कारलेट विच या थॉर। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नजदीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।